बहुत लोगों का एक डाउट था, मेरे सब्सक्राइबर ने भी बोला, कई उन्हें मुझे मैसेज करके कि फाइटर का ओरिजिनल लेने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन क्यों हो रही है? कुछ लोगों ने क्या वीडियो डाली हुई है कि जो अंदर जो होलोग्राम होता है वो फाइटर का लगा होता है, उसमें क्या होता है भाई, वो बिल्कुल डुप्लीकेट है, मेरे पास है वो, मैं आपको बहुत सस्ता बहुत गंदी क्वालिटी, पहली रील में कांच होता है, दूसरी रील में कभी कभार कलर भी चेंज हो जाता है, और मतलब कांच तो उतर ही जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। आप चाहे तो कहीं ये बच्चों की वीडियो मत देखो यार, एक दो बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो बना रखे है, जो मतलब बड़े हैं, जैसे क्रिएशन फॉर यू का चैनल देख लो, उसने फाइटर की ओरिजिनल की वीडियो डाली हुई है। अब ना सबसे बढ़िया टेक्निकल यूएस जी का चैनल देख लो, उन्होंने डाली हुई है वीडियो। ये सभी जो है ना बढ़िया नॉलेज देते हैं, ये दोनों बढ़िया हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको ओरिजिनल का पहचान कैसे होगी। सबसे पहली बात तो उसका कांच देख लो, ये कांच दिख रहा है, उसका कांच देख लो। दूसरी बात ये देख लो, यहाँ पर एक होलोग्राम लगा होना चाहिए, ऊपर की लुक देख लो, ये लिखा होना चाहिए शॉक प्रूफ नॉन मेटेलिक वाटर रेजिस्टेंट। और गट्टू देखना, मतलब कि होलोग्राम नहीं हुआ ना, अगर वो कहे कि होलोग्राम उतर गया तो गट्टू देख लेना, लंबा आएगा, चौड़ा नहीं होएगा। इसमें डुप्लीकेट भी आता है पर उसमें होलोग्राम नहीं होता, इसमें दो होलोग्राम होते हैं, ठीक है भाई। ये जो अपना होता है बहुत शार्प मान जो होता है, ये देखो सब में कांच होगा, सब में होलोग्राम है। ये देखो एक बार ही देख लो आप, ऊपर की लुक सबसे ज़्यादा मैटर करती है। वो जो फाइटर के वो लिखे होते हैं वो मार्केट में आपको 400 से 500 की रेंज में मिल जाता है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो फर्स्ट रील में ही आपको काम आएगा। ये जो मानता होता है जो उनका मर्जी मान जा ले हो, इसके सामने काट देगा, मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है अभी इसकी इस टाइम। वो वाला मान जा तो आपको नहीं चलेगा, वो बेकार मान जाए। ओरिजिनल ये है, आपको फिर से मैं बता देता हूँ, कांच देखो सबसे पहली बार तो आप कांच देख लो, कांच के बाद ऊपर लगा हुआ होलोग्राम देख लेना, ऊपर होलोग्राम लगा हुआ देख लेना। स्टिकर्स तो यार डुप्लीकेट में भी आते हैं, फर्स्ट कॉपी में भी आते हैं, तो मैं आपको ये कोई नहीं कहूँगा कि स्टिकर्स होने चाहिए, ये तो सब में आने लग गए हैं। मतलब स्टिकर्स तो होते हैं डुप्लीकेट में, फर्स्ट कॉपी में तो स्टिक लग भी जाती है, पर डुप्लीकेट में मोनोकाइट वाली स्टिक लगती नहीं है, कट्स उसमें होते हैं पर स्टिक लगती नहीं है, और फर्स्ट कॉपी में और कहीं डुप्लीकेट में लग भी जाती है, जो यहाँ पर डुप्लीकेट मिलता है उसमें स्टिक नहीं लगती। ये देखो अगर आपको मतलब लेना हो ये वाला मांजा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगा, आप मेरे को मैसेज कर देना। डिलीवरी पूरे ऑल ओवर इंडिया में होती है, डिलीवरी के चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं, आपके घर में आ जाता है कोरियर, जैसे DTDC वगैरह होता है उससे आपके घर में आ जाता है। लेना हो तो बाकी आप देख लो, बहुत बढ़िया क्वालिटी है इसकी। मैं पर्सनली ये और गो इंडिया को यूज़ करता हूँ, दोनों की वीडियो मतलब दोनों, अब आपके सवाल में होगा माइंड में कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। अगली वीडियो देखो, उसमें मैं यही बता रहा हूँ।